गाइस मैंने यहाँ से नेल आर्ट कराया था, मेरा नेल टूटा हुआ है, लेकिन ये लोग रिफंड भी नहीं करेंगे। सो गाइस देखो, ये सोनी फैशन स्टूडियो जो गणेश टॉकीज में, इनका नंबर भी यहाँ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अलकायंस व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुबह उठते ही ना कैमरा ऑन करती हूँ सबसे पहले मैं। धूप आ गई है मस्त मेरी खिड़की में और बहुत अच्छा लग रहा है वेदर। एंड मेरी बहन ये देखो पोछा कर रही है, करो करो पोछा करो। बाकी मम्मी रेडी हुई हुई एकदम मस्त झलक दिखला जाए जैसे। मम्मी रेडी क्यों है? हॉस्पिटल किसको देखने? भैया को देखने, लाला को देखने। तो मेरे भैया के ऑपरेशन है आज, तो वो मम्मी देखने के लिए जा रही है। एंड देखो ये पूरा पोछा हो जाए। अच्छा तुम पोछा क्यों कर रही हो ये बताओ? अरे क्या मम्मी ने क्या? नहीं तुम पहले बता पोछा क्यों कर रही हो? इसकी फ्रेंड आने वाली इसलिए आज ये साफ सफाई कर रही है। आज मैंने पुल पट्टी खोल दिया। दुर्गा पूजा के लिए मैंने नया चप्पल पहना था ना, इस वजह से देखो हर तरफ दर्द ही दर्द हो गया यार, फाला हो जाता ना वो हो गया था। तो बाकी मम्मी है ना मस्त लगा दी मेरे मलब। फ्रेंड आने वाली इसी बहाने मेरा रूम भी पूरा साफ हो गया। अच्छा आइडिया था। बाकी हॉल तो हुआ ही है, साथ में ये रूम भी साफ हो गया। अच्छा आइडिया ना मम्मी, फ्रेंड ऐसी कुछ डेली आए इसकी रूम डेली साफ हो जाएगा क्या? फिर पोछा करेगी। अच्छा ये मम्मी डबल पोछा जरूरी है, इसकी फ्रेंड आ रही समझो। फ्रेंड है ना इसकी डेली आए ताकि डेली हमारा घर जो है ना एकदम चमके, चांदी की जैसे चमकते रहे। देखा इसकी फ्रेंड नीचे आ गई, कहती है एसी ऑन करो, मतलब हुक्कुम ऐसे चटाती है ये लड़की। गर्मी बहुत यार। अरे ठीक है तुम हुक्कुम हुक्कुम चटा रही हो। टॉमे ऑन हो जा। सो मेरी बहन की फ्रेंड, सो ये रही इसकी फ्रेंड। अरे अरे हां 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 देखो मैंने इसे ले लिया। अरे अरे ये तो भाग रही है। अरे रुक जा भाग गई। सो अभी इसका ऑर्डर दे रही हो, ये कुछ क्या ऑर्डर दे रही हो तुम बता? मैगी बना दे ना, अच्छा सा यार सब कुछ डाल के चीज वगैरह सब कुछ। देख रहे हो फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना है इस बंदी को। फ्रेंड बोर ना हो इसलिए मैंने बोला तू बैठ मैं बना दूंगी। मैगी का एक ही पैक था तो मेरी बहन ने बोला एक काम कर यप्पी बना दे, तो इन लोगों के लिए यप्पी बना रही हूँ मैं। थम्सअप का बॉटल ये ले फ्रीज में रख ले, मतलब अपनी फ्रेंड का इतना सेवा कर रही है ये लड़की कि थम्सअप ले आई, आज तक मेरे लिए तो थम्सअप नहीं लेके आई। टॉप चलो अच्छा यप्पी तो यार आसानी से बन जाती, बस पानी डालो मसाला डालो और वो डाल दो उसका। मैंने सब खोल दिया है एंड ये जरा मसाला। सो गाइस यप्पी रेडी है, ये मेरी बहन और उसके लिए और ये मेरे लिए थोड़ा सा। कौन डालेगा चीज? क्योंकि इन लोगों का होगा नहीं, तुम लोग का ठीक है ना? हाँ चीज कौन डालेगा? चीज कौन डालेगा? डाल इसमें चीज डालते हुए ये वही यप्पी में चीज कौन डाल? नहीं हमको अच्छा लगता, हम खाते हैं। ठीक है डालो 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 भाई, पहली बार नहीं खा रहे। ठीक है ठीक है टॉफी ठीक। मैगी बनाते तो कुछ डालते पर यप्पी में सब कुछ रहता है, वेजिटेबल से लेके सब कुछ, राइट? क्या मैं सही बोल रही हूँ गाइस? तो मैं ब्रेकफास्ट करके फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस अभी मेरा दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो गया बिकॉज ये देखो ये जो मैंने नेल आर्ट करवाया ना, आपको दिखाती हूँ किस तरीके से वो उखड़ रहा है। मतलब उन्होंने बोला था 20 डेज तो रहेगा एटलीस्ट, और 6-7 दिन ही नहीं हुआ कि ये उखड़ने लग गया। मतलब फिनिशिंग तो थी नहीं, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। देखो ये रहा नेल आर्ट उनका जो किया हुआ है, देखो पूरा उखड़ गया है, बहुत गंदे तरीके से उन्होंने किया था ये देखो। तो अभी मैं जा रही हूँ उनको बोलूंगी या तो रिफंड करने के लिए, अगर ये नहीं करते तो मैं आपको दिखाऊंगी यार किससे मैंने करवाया। ऐसे किसी शॉप की बदनामी कर रहा है इज नॉट गुड, आई नो दैट, लेकिन देखो मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी उस जगह पे जाओ और करवाओ और फिर आपकी भी खराब हो। तो अगर वो लोग रिफंड कर देते तो इट्स ओके, और अगर नहीं करते तो मैं आपको शॉप दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट टाइम से आप भी कभी मतलब करवाना मत उस जगह से, वरना देखो मैं नहीं चाहती फालतू का आपका पैसा वैसा लगे और खराब कर दे कोई भी। तो चलो चलते हैं, पहले देखते हैं वो लोग रिफंड करते हैं। मैं हो गई हूँ रेडी और चलो चलते हैं शॉप पे और देखते हैं वो लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं। या तो रिफंड कर दे या तो ये नेल हटा के दूसरा नेल कर दे, मैं तो इतना ही बोलूंगी बस। डीओ इज वेरी मैंडेटरी, क्या डीओ लगाना? आते हैं मम्मी खाना आती खाएंगे क्या? खाना आता नहीं, खाना नहीं खाएंगे हम। क्यों? देखो मैं नेल्स टूट गया, खराब हो गया। तो वही तो, कैसे खराब हो गया बोलो मम्मी, 5 ही दिन हुआ है। गाइज मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है यार उनको ऐसा बोलना, लेकिन आप ही बताओ अब देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। स्टूडियो जो है वो क्लोज है देखो। सो गाइज अभी मैं ऑटो में बैठ गई हूँ और अभी 3 घंटा टाइम है दुकान खुलने में, तो मैं सोच रही हूँ 3 घंटा क्या करूँगी, तो मूवी देखने चल जाती हूँ। मूवी देख के आते समय इनका शॉप खुल जाएगा। एक्चुअली मैं उनको कॉल करके बोल दी हूँ कि आज आपका शॉप बंद है, और इनको ये भी बोल दिया मैंने कि मेरा नेल्स जो है वो ख़राब हो चुका है, मुझे रिफंड वगैरह चाहिए, तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। अब देखो वो आज शॉप खोलते हैं कि नहीं, चलो मूवी देख के आते हैं।
आ गई हूँ सिटी सेंटर और हम मूवी देखने जा रहे हैं गुड बाय। मूवी देख के सीधा मैं जाऊंगी वो नेल आर्ट वाले के पास यार। गाइस मैंने यहाँ से नेल आर्ट कराया था, मेरा नेल टूटा हुआ है लेकिन ये लोग रिफंड भी नहीं करेंगे और चेंज भी नहीं करेंगे, तो आप लोग देख लेना यहाँ से कभी मत कराना। देखो मैंने इनसे बात किया ये चीज, लेकिन ये बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता, जबकि मैंने आपको व्लॉग में पूरा दिखाया है कि वो खुद टूटा है भाई और नेल्स पूरे खराब किया गया है, पर ये मानने के लिए तैयार नहीं है। और मेरा नेल्स जो खराब हुआ है रिफंड भी नहीं करेंगे ना एक्सचेंज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो मैं आपको इनका शॉप वॉप सब कुछ दिखा दे रही हूँ, तो आप लोग देख लेना और मैं एड्रेस वेड्रेस सब कुछ जाऊंगा। गाइस देखो ये सोनी फैशन स्टूडियो जो गणेश टॉकीज में, इनका नाम खुल गया है, मैं आई बट ये लोग करेंगे नहीं। इन्होंने मेरे को 10 बात सुना दिया, यहाँ से कभी मत कराना। इनके बात करने का ढंग भी नहीं है, लोगों ने बहुत ही गंदे तरीके से मेरे साथ बिहेव किया है। वो जो एक आंटी बैठी थी मैंने आपको दिखाया, बाकी ये देखो गणेश टॉकीज यहाँ पे जो कहाँ गया ऑटो स्टैंड मियोमोर है ना, जो मियोमोर के पास में है। देखो अभी मैं ले रही हूँ बिस्किट बांटने के लिए, इसमें डाल दो ये भी डाल दो। तो गाइस उस समय मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए जब दीदी बोल रही थी, लेकिन वो कैमरा अलाउ ही नहीं कर रही थी निकालना, बोलते कि आप मेरे स्टोर पे कैमरा निकाल नहीं सकते हो। मैंने बोला देखिए आपके यहाँ से मैंने नेल आर्ट कराया, फिनिशिंग नहीं हुआ, मैं समझी चलो नेक्स्ट टाइम मैं नहीं कराऊंगी, लेकिन नेल टूटने लग गया। 25 दिन का वैलिडिटी रहता है 1000 रुपीज़ में और टूटने लग गया। तो बोलती है कि आप काम करते होंगे, झाड़ू पोछा करते होंगे इसलिए टूट गया होगा। मैंने बोला मैं काम ही नहीं करती भाई, कैसे टूट जाएगा। तो बोलती है आप शैम्पू करते होंगे तो टूट गया होगा। मैंने बोला आप कितना एक्सक्यूजेस दे रहे हो, वो भी छोटा एक्सक्यूजेस। आपको मैं सीधा बोल रही हूँ या तो आप रिफंड कर दो या तो आप एक्सचेंज कर दो। पर वो मुझ पर चिल्लाने लग गई अजीब तरीके से यार, तब जाकर मैं उनके शॉप का नाम वगैरह दिखा रही हूँ, वरना मुझे क्या शौक है यार किसी का कुछ भी करना, आप बताओ। लेकिन जो गलत है वो गलत है, मैं नहीं चाहती कि इन फ्यूचर आप लोग उस जगह पे जाओ और करवाओ, क्योंकि बहुत ही गंदा फिनिशिंग के साथ ये लोग नेल आर्ट करते हैं और इतना गंदा मटेरियल यूज़ किए कि जलन वलन मारने लग जाता है। तो मैं शॉप नेम वगैरह सब कुछ आपको दिखा दी हूं, तो आप लोग देख लेना, ऑप्शन में इनके शॉप का लिंक विंक सब दिया हुआ है, तो आप लोग देख लेना। मत कराना यार, मैं इतना प्यार से बात की, वो मुझ पर चिल्लाने लग गई, बस इस वजह से मुझे व्लॉग बनाना पड़ा, वरना मैं नहीं बनाती हूँ। इतना गुस्सा कभी करते हुए आपने देखा ही नहीं होगा मुझे, पर आप ही बताओ यार इस तरीके से आप कस्टमर पे गुस्सा करोगे तो चलेगा क्या? या तो आप एक्सचेंज कर दिए होते तो इतना बात ही नहीं होता। कोई बात नहीं, समय भी मुझे वीडियो बनाने नहीं दे रही थी, जब मैं उनको दिखा रही थी ना बोलती है मुझे मत दिखाइए मत बनाइए। मैं बोली क्यों नहीं बनाओ भाई, आपने मेरा नेल्स खराब किया है, नेल्स पूरा टूट रहा है, आप रिफंड वगैरह नहीं कर रहे हो, तो क्यों नहीं बनाऊं मैं? तो सब कुछ आपको दिखा दे रही हूँ, आप लोग देख लेना। तो गाइस अभी हम आए हैं छत पर गपशप करने के लिए, बहुत ज्यादा लाइट आ रहा है, लाइट ही ना आएगा भाई, टॉर्च ऑन करेंगे तो अंधेरे में बनाएंगे। और तुम बहुत ब्यूटीफुल एंड क्यूट लग रही हो, पता है तुम्हारे चश्मा के साथ तुम क्यूट लगती हो, तुम मानती नहीं हो। तेरा चश्मा एक बार हमको देगी? नहीं प्लीज ना, नहीं पहना। और वेदर आज मेरे को काफी अच्छा लग रहा है, हवा भी अच्छी चल रही है, यहाँ से कुछ आवाज आ रहा था, लग रहा है कोई कीड़ा वीड़ा, मैं पास तो नहीं जाऊंगी, काट कुट आ गया तो हो गया। चूहा है यहाँ, कहाँ चूहा है भाई, हो सकता है पता नहीं। वो हावड़ा ब्रिज दिखाती हूँ चलो, रात के टाइम का वो देखो हावड़ा ब्रिज, लाइट्स वाइट्स चल रही हैं। सो गाइज मैंने इसका चश्मा पहन लिया है एंड आई नो अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है टॉफी? हाँ। सो गाइज आज मैंने जो भी व्लॉग बनाया जिनके ऊपर, जिनके स्टोर के ऊपर, मैं बस इतना ही बोलूंगी, देखो मैंने एक सच्चा रिव्यू दिया है, जो मुझे उनका सर्विस भी अच्छा नहीं था, बात करने का तरीका भी अच्छा नहीं था, क्वालिटी भी बहुत नेल्स की ख़राब थी, तो सब कुछ मैंने आपको दिखाया। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप जाना, नहीं अच्छा लगे तो मत जाना, क्योंकि मेरा काम है हर जगह जाके एक सच्चा रिव्यू देने का। जहाँ पे मुझे पसंद नहीं आता मैं आपको डायरेक्ट बोलती हूँ कि गाइज देखो यहाँ पे ऐसा ऐसा है आप मत जाना, क्या मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ गाइज यहाँ पे ख़राब है आप मत जाओ ये वो। तो इधर का सर्विस मुझे पसंद नहीं आया, क्वालिटी भी बिल्कुल पसंद नहीं आई है, तो बाकी आपका डिसीजन है। दर्द हो गया। सो अभी गाइज मम्मी रात को उठ के ना, देखो अभी कितना बज रहा है, 12:15 हो रहा है, मेरे को उठा के बोल रही खाना नहीं खाई। वाह मम्मी दिल खुश हो गया मेरा। और मैं खाना नहीं खाई यार, कभी कभी लाइफ में इतनी टेंशन हो जाती है ना यार, खाना वाना खाने का मन ही नहीं करता। आज तो मेरा दिन इतना खराब गया जैसे कि मैंने आपको दिखाया ही यार। ओह माय गॉड, मेरी फेवरेट सब्जी बनाई है मम्मी, इसीलिए कह रही थी मम्मी कीड़ी आ गया।
देखो आप देखो इधर देखो देखो कीड़ी आ गया सिकंदी में। ये फल का खाऊंगी यार और खाने का तो बिल्कुल मन है ही नहीं और मूड पूरा खराब है। गाइस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। गाइस अब बात करते हैं कि जो मैंने मूवी देखा गुड बाय वो कैसा था। तो गुड बाय मूवी मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी कॉमेडी मूवी है और यंग जनरेशन के बारे में दिखाया गया उस मूवी में कि किस तरीके से यंग जनरेशन है जो अपने मॉम डैड का कदर नहीं करते, इनफैक्ट बिजी रहते हैं पार्टी करने में, फ़ोन उठाते नहीं है मॉम डैड का। फिर बाद में ये दिखाता है सीन कि अपन सोचते हैं ना कि जैसे कोई मर गया तो कौवा को खाना खिलाना इज़ नॉट गुड, क्या ही खाना खिलाना ये वो, तो अपन मानते नहीं ये सब चीज़ को, लेकिन ये सब चीज़ कहीं ना कहीं सच होता है। तो ये सब चीज़ दिखाया गया उस मूवी में और वो मूवी काफ़ी अच्छी है, तो आप अपनी फैमिली के साथ जाकर देख सकते हो। सो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं एंड मैं फिर से बोलूँगी यार आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखो फिर से बोलूँगी ये नेल तो टूट गया कि देखो सच सब जगह जाना और एक सच्चा रिव्यू देना ये मेरा काम रहता है, ठीक है। तो मैं आपको सब कुछ सच बताती हूँ कि देखो जो चीज़ अच्छा है मैं आपको बताती हूँ अच्छा है, जो चीज़ अच्छा नहीं है मैं आपको बताती हूँ अच्छा नहीं है। लव यू गाइस एंड थैंक यू, आप लोग हमेशा मेरी सपोर्ट करते हो।